हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की खस्ता पोटली कचौरी, जिसके लिए हमने लिया है ये एक कप। हमने ऑल पर्पस फ्लावर मैदा लिया है, ये हमने एक कप ग्रीन पीस लिया है, ये फ्रोजन ग्रीन पीस है। बाकी की चीज़ें हमें इस तरह से चाहिए। ये एक टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून सौंफ पाउडर है, ये 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 3 टेबल स्पून हमने नारियल ग्रेटेड करके लिया है, 1 टी स्पून हमने ग्रीन चिली को क्रश करके लिया है, ये 1 टी स्पून हमने पॉपी सीड्स लिया है जिसे हमने रोस्ट करके लिया है, ये 8-10 काजू है जिसे हमने बारीक पीसेस में कट करके लिया है, 1 टीस्पून तिल है, सेसमे सीड जिसे भी हमने रोस्ट करके लिया है, ये 1 इंच का अदरक का पीस है जिसे हमने ग्रेट करके लिया है, 1/4 टीस्पून शुगर है, शक्कर, ये नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, धनिया पत्ती हमने कट करके ली है, ये थोड़ा सा हमें नींबू का जूस लगेगा, 3 टेबल स्पून हमने घी लिया है और पानी हमें आटा गूंदने के लिए लगेगा। तो आइए मटर की खस्ता लेयर पोटली कचौरी बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, पहले हम कचौरी का आटा लगा लेते हैं। ये ऑल पर्पज़ फ्लावर है जिसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें घी डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। ये मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा हमें चाहिए। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो इसे हम अच्छे से कपड़े से ढक देते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें हमने ये 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसमें अब हम मसाले डालेंगे। ये जिंजर है, हरी मिर्च क्रश की हुई, ये धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर और सौंफ का पाउडर, ये सब हम मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हमने मसालों को 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ये हरी मटर डालेंगे। ये हमने फ्रोजन मटर लिया है, आप फ्रेश वाला भी ले सकते हो। अब हम इसमें ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके ऊपर ढककर रखते हैं और 2 मिनट उसे पकने देते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे मटर हम चेक करते हैं। अब इसमें हम ये ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। ये हमने थोड़ी सी शक्कर ली है, ये इसमें डालेंगे और ये 1/4 टीस्पून हम नींबू का जूस डालेंगे और वापस से इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। आइए फ्रेंड्स, ये हम वापस से चेक कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा मटर बॉइल्ड हो चुका है। ये देखिए, ये पीस का क्रश हो रहा है। ये हम इसे पाव भाजी मैशर से इसे तो थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने मटर को थोड़ा सा क्रश करके लिया। अभी इसे ठंडा होने देते हैं।
और इसमें ये धनिया पत्ती मिक्स करते हैं। मिक्सचर अभी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसमें हम ये काजू, पॉपी सीड और तिल सेसमे सीड मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो टेबलस्पून मैदा लिया है ऑल पर्पज फ्लावर, इसमें हम एक टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर हमने जो मैदे का आटा लगाया है उसको लगाने का है लेयर करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, ये हमने 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रखा था, तो मैं आटा इसमें से निकाल लेती हूँ। मैं लोहिया निकाल लेती हूँ, ये इतने आटे से हमारी 6 कचौरियाँ बनेंगी। ये देखिए आटे में हम इसे सूखे आटे में इसे हम लपेटेंगे और इसकी रोटी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी ये रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे जो हमने मैदा और घी का मिक्सचर बनाया था वो लगाएंगे, इसे अच्छे से सभी जगह पे कोट करेंगे। इससे हमारी कचौरियाँ लेयर में और बहुत ही खस्ता बनेगी। अभी हम इसे फोल्ड करेंगे 3 फोल्ड में और वापस से इसे भी ऐसे ऊपर से घी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे वापस से ऐसे फोल्ड करना है दोनों साइड से। इस तरह से हमें हमारी पूरियां बन के तय रखनी है, भरेंगे। तो मैं इस पहले ये सभी पूरियां ऐसे बना लेती हूँ और फिर बाद में हम इसे स्टफिंग करेंगे। ये हमने लेयर लगा के सभी पूरियां बना ली है, अब हम इसे बेलते हैं। ये मैंने एक पूरी को ड्राई आटे में डस्ट किया है और इसे अब मैं चौकोन की शेप में ही बेलने वाली हूँ। ये अभी स्टफिंग हम इसमें डालेंगे। अभी ये दोनों साइड से हम इसे ऐसे उठाएंगे और ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। वैसे ही हम ये साइड से भी करेंगे और ये साइड से करते वक्त हम ये जो दोनों साइड है इन्हें भी हमें अच्छे से बंद करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड हमने बंद कर ली है और इसे भी हमें अच्छे से बंद करना है। ऐसे ही ये साइड से भी हम इसे बंद करेंगे और सभी साइड अच्छे से पैक करेंगे। स्टिक होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे गीला हाथ भी लगा सकते हो पानी का। इसे ऐसे अंदर से थोड़ा सा पानी लगा के इसे हम अच्छे से, अभी हमें ये दोनों साइड ऐसे लेनी है और ये दोनों साइड हमने ऐसी देनी है और सभी साइड को अच्छे से पानी का हाथ लगा लेंगे हम इसे अच्छे से। हमें ये देख बंद कर देंगे। इस तरह से हम सभी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी पोटली कचौरी भर के तैयार कर ली है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हमें एकदम गर्म ऑयल नहीं चाहिए। अब हम ये कचौरियाँ इसमें डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कचौरियाँ गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं।
इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे कचौरियों का। इस तरह से अभी सभी कचौरियाँ हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मटर की खस्ता लेयर पोटली कचौरी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। इसे हमने तले हुए कोरिएंडर और ग्रीन पीस के साथ सर्व किया है। इसके साथ आप केचप या हरी मिर्च की चटनी खा सकते हो। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।